नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत है। 4 अगस्त 2017 मास किलिंग का एक ऐसा हैरतअंगेज केस मेरे पास आया जिसे देखकर सब चौंक गए। एक आतंकी दिमाग जिसने कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। 80 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां इस केस से जुड़ी हुई थी। घटना के 3 दिन पहले अपराध दस्तक पे दस्तक दे रहा था, लेकिन इस केस से जुड़ा हर एक शख्स एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसता चला गया जिससे निकलना बहुत मुश्किल था। दो पहलवानों के बीच कांटे की टक्कर देखिए, हर पूरी तालियों से और सीटियों से अखाड़ा का मैदान गूंज उठा है। अब देखना यह है हमें कि बलबीर पहलवान को सूरज पहलवान कैसे मात करके इस दंगल का विजेता बनता है। देखिए सूरज पहलवान बलबीर पहलवान पर हावी होते हुए। ये क्या गुप्ता जी, ये कौन सा धमाल की है? हमारे मंच पर शिवप्रकाश मिश्रा को बुला दिए। अरे पूरनमल जी, हम नहीं बुलाए हैं, ये तो खुदे आ गए। अब आ गए तो इनका वेलकम तो करना ही पड़ेगा, हम अभी आते हैं। प्रणाम भैया जी। प्रणाम। आप यहाँ आकर सबको चौंका दिए भैया जी। वो हमारे बिट्टी बिटिया दंगल देखना चाहती है। लेकिन भैया जी वो दंगल तो खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया भाई? दिखता नहीं है भाई जी आए हैं। जा फिर से शुरू करवा। कौन दिक्कत देगा? नहीं नहीं भैया जी, अब आप है तो भला का दिक्कत। जा बोल दे पूरनमल को के निकल जाए यहाँ से। पूरनमल जी देखिए, बहुत ही बड़ा धर्म संकट आन पड़ा है। देखिए हम आ जाएंगे रात को आपके घर, हमको बिगा बिगा के मारिएगा, पर कृपया अभी अभी आप लौट जाइए। आइए भैया। आइए भैया जी, आइए 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 आइए। अब हम सबके बीच हमारे भूतपूर्व पहलवान और मौजूदा वक्त के नेता श्री 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 प्रकाश मिश्रा जी अपने पुत्री श्री बिट्टी मिश्रा जी के साथ पधारे हैं। इनके आने के उपलक्ष्य में पिछले राउंड का कुश्ती कैंसल, ये मुकाबला फिर से शुरू होगा। अरे मुकाबला फिर से शुरू। और ये देखिए बलबीर पहलवान का सरदार पलटवार। सूरज पहलवान ढेर और बलबीर पहलवान किंचित। ठीक है, कुछ और मालूम चले तो हमको बताना। ज्योति बेटा, तुम्हारे पापा जैसे भी हो लेकिन लड़का अच्छा ढूंढे हैं तुम्हारे लिए, और त्रिपाठी जी का खानदान भी अच्छा है। हम सोच रहे कि बात आगे बढ़ाएं। अम्मा कुछ आगे बढ़ने वाला नहीं है, आपके पूज्य पति श्री प्रकाश मिश्रा जी अपने गंदे खून को बिटिया बिटिया करने लगे।
बिट्टी को दंगल दिखाने लेकर गए थे। जानते हैं सर, बार बार बोलकर काहे फुकाते होंगे। हमसे तो ये सब बर्दाश्त ही नहीं होता है, और हमको ये समझ में नहीं आता कि आप काहे मौन धारण किए बैठी हो। अरे जब भैंसे ही पानी में हो तो बार बार बीन बजाने का क्या फायदा। ना हम तुम्हारे पापा को छोड़ सकते हैं और ना तुम्हारे पापा उस दमयंती और उसकी बेटी को। अब बोलो कौन सा अगरबत्ती जलाए कि दोनों मक्खियां बीन बनाना छोड़ दे। काहे की अगरबत्ती अम्मा, हमरा बस चले ना तो हम तो सबको आग लगा दें। ज्योति, अंदर आना, जरा बात करनी है। पिताजी, आगामी चुनाव के लिए हमारे विरोधी एक भाषण तैयार किए हैं, सुनते जाइए। प्रत्याशी मुन्ना भैया यानी कि हम एक ऐसे बाप की औलाद है जो अपने घर का पकवान छोड़ के दूसरे घर की मुर्गी खाता है, और वो बिट्टी उसी मुर्गी की चूजी है जिसे रखेल से बीवी का दर्जा। चुप! जबान काट देंगे तेरी हम। आप तो हमारी जवानी काट सकते हैं। अरे काहे उस बिट्टी और उसकी मां के लिए हमारी छवि बिगाड़ने में लगे हुए हैं आप। कोई किसी की छवि नहीं बिगड़ेगी। तुम्हारी ही उंगली पकड़ के इस क्षेत्र के प्रत्याशी बने हो तुम। तुम्हारी जीत सिर्फ हमारे हाथों में है। सिर्फ चुनाव में जीतने के लिए तुम्हारे अंदर ये आग नहीं लगी है, तेरे अंदर कोयला सुलगाने वाला कोई और है। हमारी मान ज्योति के साथ साथ बिट्टी को भी बहन मान ले, मानना पड़ेगा। हमारे साथ ही राजनीति ना खेलो तुम, वरना ना ही नेता रहोगे ना ही अभिनेता बन के भाषण कर पाओगे। ज्योति, पस्त है पर तू हमको लगता बड़ा मस्त है। पहलवान जब रूट जाता है ना और भी गदर मचाता है, पर तू इतना ठंडा क्यों है? सुना है हमेशा मर्द की जीत के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन हमारी वाली अलग ही है। तुम्हारी वजह से हार गया मैं आज। हम तो खुद आए थे तुम्हारी जीत का जश्न देखने। हमने सोचा था पापा तुम्हें जीता देखेंगे ना तो आसानी से तुझे हमारे गले का हार बना देंगे। पर तू टेंशन मत ले, दामाद तो तू ही बनेगा उनका। हाँ बोल, क्या बात कर रहे थे? वो लड़का तुम्हें पसंद आया? हाँ, वो माँ ने बोला। अपनी माँ की नहीं, अपनी बात करो भैया जी। भैया जी, वो बिट्टी सूरज पहलवान के साथ है। अरे हाँ हाँ त्रिपाठी जी, आप तैयारी तो शुरू कर दीजिए। त्रिपाठी जी के बेटे योगेश के साथ बिट्टी की शादी तय हो चुकी है। 3 दिन बाद शादी है, न सगाई होगी न तिलक होगा। इन 3 दिनों में तुमको जो भी तैयारियां करनी है कर लो जी। पापा,
अब ज्योति की तस्वीर अपने दिलो दिमाग से निकाल दे और बिट्टी को बचा ले। 3 दिन बाद में शादी है, तैयारी शुरू कर दो। 3 दिन में? अरे 3 दिन में ये सब कैसे होगा? माँ जी, सोने की चिड़िया पिंजरे फंसी है। 3 दिन बाद क्या, 3 घंटे बाद भी शादी होना तो कर लेनी चाहिए। क्यों बाबू जी, कपड़े सारे रेडीमेड खरीद लेंगे और घोड़ी बाजे वाले को दुगना दाम भी दिया ना तो भी फायदा है अपना। सुनो भाई, शाम 5 बजे तक सब सजावट पूरी हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुई ना तो तुम सब लोगों का नक्शा बदल देंगे हम। अम्मा, वो हमारे जख्म पे नमक मिर्ची छिड़क रहे हैं। ज्योति का दिल तोड़ के हमारे घर से वो बिट्टी का ब्याह हो रहा है। हमारा खून खोल रहा है अम्मा। पर आप काहे शांत खड़ी हो? बेटा, हमारा बीपी ना थोड़ा लो वाला है। थोड़ा सा टेंशन होता है तो मन बैठ जाता है, लेकिन ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा ना। बिट्टी का शादी है, बेटी तो बेटी होता है ना, चाहे वो सौत का ही क्यों ना हो, हर्ष तो निभाना ही पड़ेगा। ज्योति जा, कपड़े बदल ले। जी। और मुन्ना तू भी, तुम्हारी बिट्टी बहन का शादी है, विदाई तो करना ही पड़ेगा ना। साली हो, जूता नहीं चुराया, कम से कम दूल्हा दुल्हन के साथ भोज तो कर लो। नहीं भाभी, रहने दीजिए। अरे बैठो, मैं अभी आती हूँ। ज्योति, पानी दे दो। ज्योति आपको खाने में कुछ गड़बड़ लग रही है, सब उल्टियां कर रहे हैं। निकलो यहां से, भाग जल्दी, भाग, निकाल निकाल। डॉक्टर साहब, बहुत सारे पेशेंट्स हैं, 4 एम्बुलेंस पीछे और आ रही है। जल्दी से इमरजेंसी स्टाफ को बुला।
सर एक इंफॉर्मेशन आई है, नव विकास पार्टी के नेता श्री प्रकाश मिश्रा की बेटी की शादी थी आज। शादी का खाना खाकर कई लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे। दूल्हा दुल्हन को तो डेड डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन कई लोग अभी भी सीरियस कंडीशन में। तेरे नाक के नीचे इतना सब कुछ हो गया है और तुझे पता तक नहीं? भैया जी वो हलवाई भी गायब है, उसको उठाने के लिए भेजे। नहीं, सिर्फ हलवाई का काम नहीं है, कोई और है जो उस हलवाई को चूरन दिया या कांड करने के लिए। उठा के तोड़ दे उसको और पूछ किसके कहने पे किया ये सब। ठीक है भाई जी। सर पहले मुझे लगा कि शायद ये फूड पॉइजनिंग का केस है, लेकिन 80 से ज्यादा लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में एक एक करके भर्ती हो गए जो शादी का खाना खा के बेहोश हुए हैं। पॉसिबिलिटी खाने में जहर मिला? हाँ हो सकता है। धीरज फौरन शादी के वेन्यू पे जा और सारा का सारा खाना जो है ना फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजो। ओके सर। दूल्हा दुल्हन की पूरी फैमिली को खत्म करने की कोशिश की गई है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी लगती है। क्या मुन्ना भैया भी गायब है? बाद में कॉल करते हैं, श्री प्रकाश मिश्रा जी से बात करनी है। देखिए साहब आप हमसे बात कीजिए, हम उनके पीए। हमें फैमिली मेंबर से बात करनी है। साहब मैं दूल्हे का फादर हूँ, दूल्हा दुल्हन के साथ साथ मेरी बेटी और उनके दो बच्चे भी। साहब मेरी बेटी के अलावा हमारे और दो रिश्तेदार भी लड़के वालों की ओर से और हमारी ओर से बहुत से रिश्तेदार। माफ करना अब हम बात करने की स्थिति में नहीं है। हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन आपको किसी पे कोई शक? हमने कहा ना इस वक्त हम कोई बात नहीं करना चाहते। यादव बाद एक बार। सर ये सारा खाना फॉरेंसिक के लिए भेजो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सर यहाँ पे सभी लोग हलवाई को ब्लेम कर रहे हैं, जैसे लोग बेहोश होना स्टार्ट हुए हलवाई और उसके कारीगर यहाँ से भाग गए। अंदर चेक करो। ये रसोई के खाने का भी सैंपल लो। सर उधर एक आदमी बेहोश पड़ा है, ये देखिए सर। फीचर नशे में धोते हैं। ये है कौन? मुन्ना। ये पिस्तौल कस्टडी में लो और इसको थाने लेकर आओ। सर ये सारे मेहमान उस हलवाई को ही ब्लेम कर रहे हैं और इस हादसे के बाद से उस हलवाई के सारे कारीगर भी गायब हैं। पता करो सब कहाँ हैं, उन्हें उठा के ले क्या। और एक बात सर, श्री प्रकाश का बेटा मुन्ना यहाँ पर नशे की हालत में मिला है। इतना सब हो गया है लेकिन वो बिल्कुल भी होश में नहीं है और उसके पास एक पिस्तौल भी मिली है। सर जिनकी मौत हुई है उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर हाँ बोलो। सर मैं यहाँ हलवाई के घर आया तो यहाँ पर कोई नहीं मिला और इस हलवाई के घर में तोड़फोड़ भी हुई है, ऐसा लगता है कि जैसे इस हलवाई को किसी ने पर्पसली गायब कर दिया हो। हो सकता है श्री प्रकाश के आदमियों ने उसे मारा पीटा और बदला लेने के लिए उसे गायब करवा दिया, तभी श्री प्रकाश जो है किसी पर शक जाहिर नहीं कर रहा है। उस हलवाई के कर्मचारियों से बात करना, पूछना जरा कि किसने मारपीट की है वहां पर। ओके सर।
उस हलवाई गिरधारी के एक कारीगर का पता चला था, हमने उसे उठा लिया है। गिरधारी कहाँ है? हमको सच में नहीं पता साहब, खाना खा के जब सब गिरने लगे तो गिरधारी भैया हमको खुद बोले कि भाग जाओ, इसीलिए भाग गए थे। भागो, खाने में कुछ गड़बड़ लग रही है, सब उल्टियां करने निकलो यहाँ से, क्या करना, भाग जल्दी, भाग, निकाल निकाल। खाने में जहर गिरधारी नहीं मिलाया था ना? हमको नहीं पता साहब। तुम लोगों ने खाना बनाया और तुमको ही नहीं मालूम? बनाया था साहब, परोसा नहीं था, बीच में किसी ने कुछ कर दिया तो हमको क्या पता साहब। किसी और ने नहीं, गिरधारी ने किया है, और तुम लोग उसके साथ मिले हुए हो, और अब गिरधारी फरार है। बोल गिरधारी का है? हमको नहीं पता साहब। नहीं मालूम? नहीं पता। तोड़ो उसे। नहीं साहब, हमको नहीं पता साहब, नहीं पता साहब। हमको कोई भी बहाना नहीं चाहिए, परिणाम चाहिए। कोई मरता है तो मरे, हमें उसका नाम चाहिए जिसने हलवाई से कांड करवाया। भाई जी हम लगे हुए हैं, पर आपको एक बात बोलनी थी, मुन्ना भैया को पुलिस थाने ले गए। तुम लोगों का हिम्मत कैसे हुआ हमको यहाँ लाने का? होश है? होश में तो हम तुम सबको लेकर आए हैं इंस्पेक्टर। काहे लेकर आए हो हमको यहाँ? उस पिस्तौल का लाइसेंस है हमारे पास। पता चला, लेकिन नशे की हालत में इतने थुत पड़े थे तुम कि क्लैरिफाई नहीं कर पाए। अब खुद आ गए हो तो डाउट क्लियर कर दो। शादी के खाने में जहर किसने मिलाया? जहर? कौन सा जहर? 80 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए खाना खाकर, 7 लोग मर गए, जिसमें से आपकी बहन बिट्टी भी थी। अरे किसने बोल दिया आपको कि बिट्टी हमारी बहन थी? हाँ, बाप की रखेल के पेट से जन्म लेने वाली बहन नहीं कहलाती है। तभी उसकी शादी में नशे में थुत पड़े थे। कहीं तुम्ही ने हलवाई को बोल के जहर नहीं मिलाया? सोच समझ के बोलो इंस्पेक्टर, आने वाले चुनाव के प्रत्याशी हैं हम, अपनी दिक्कतें मत बढ़ाओ। कोई सबूत है तो बोलो। ठीक है, तो सबूत मिलने के बाद ही बात करेंगे। हलवाई गिरधारी एक ऐसी सीढ़ी था जिस तक पहुंचकर हम असली अपराधी तक पहुंच सकते थे, लेकिन गिरधारी गायब था। उसे गायब किया गया था या वो खुद गायब हुआ था, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। 7 लोग मर चुके थे, 40 से ज्यादा लोग मौत की कगार पे थे, डॉक्टर सबको बचाने में लगे हुए थे। फिर फोरेंसिक रिपोर्ट आई। सर, फोरेंसिक रिपोर्ट से क्लियर हो गया कि खाने में जहर मिलाया गया था, और ज्यादा मात्रा में मिलाया गया था। मतलब ये मास किलिंग का मामला है, किसी ने जमकर जो है दुश्मनी निकाली है। कोई तो है जो इस फैमिली से खार खाया बैठा। लेकिन सर हलवाई गिरधारी के पड़ोसी ने बताया कि श्री प्रकाश के लोग इस हादसे के बाद हलवाई के घर पे गए थे और उन्होंने वहां पे जमकर तोड़फोड़ की, लेकिन श्री प्रकाश के डर से कोई भी सामने आके बयान देने से डर रहा है। मतलब हमारा शक सही निकला, श्री प्रकाश ने ही हलवाई को उठवाया। पता करो श्री प्रकाश गिरधारी को कहां पर छिपा के रख सकता है, और श्री प्रकाश के दुश्मनों को भी पता करो जो ये कांड कर सकते हैं। ओके सर। सर इसमें शादी में आने वाले हर मेहमान की डिटेल्स लिखी हुई है, इसके अलावा बैंड वाला, डेकोरेटर्स, हेल्पर्स और शादी के वीडियोग्राफर फोटोग्राफर को थाने बुला लिया गया है। शादी में मौजूद सभी वर्कर्स और मेहमानों से हम पूछताछ कर रहे थे, वहीं शादी में खींचे गए फोटोग्राफ्स और रिकॉर्डेड वीडियोस को हम बारीकी से स्टडी कर रहे थे, पर हलवाई गिरधारी को श्री प्रकाश मिश्रा द्वारा गायब करवाने का हमारा संदेह बरकरार है। आप तो पॉलिटिक्स में रहे, आपके कई दुश्मन होंगे, आपको किसी पे शक नहीं हुआ? अच्छा हुआ ये बात आपने हमको बता दिया, वरना हमारी बुद्धि में तो कभी आया ही नहीं होगा कि ये काम हमारा दुश्मन किया हो। हम आपकी बुद्धि पे शक नहीं कर रहे, बल्कि ये सोच के शक कर रहे हैं कि आप किसी पे उंगली नहीं उठा रहे। अगर हमको पता चलेगा तो हम उंगली नहीं उठाएंगे, उसके पूरे खानदान को खत्म कर देंगे। उस हलवाई गिरधारी ने आपको कुछ बताया नहीं? हमें पता है, उसके घर गए थे। देखिए, उस हलवाई को हमारे हवाले कर दीजिए। हमारे हाथ नहीं लगा, वो भाग गया या गुस्से में उसे ऊपर पहुंचा दिया। अपने हाथ में रहना इंस्पेक्टर, अगर छानबीन करने का इतना ही शौक है तो पता करके बताओ गिरधारी कहां छुपा हुआ है। सर
सर, इन वीडियोस में किचन के डायरेक्शन में जिन जिन का भी आना जाना था उनमें से कोई भी सस्पिशियस नहीं लग रहा है, लेकिन इस शादी के दौरान श्री प्रकाश का बेटा मुन्ना गायब है, वो इन वीडियोस में कहीं भी दिखाई नहीं देगा। ये लड़की कौन है? सर, ये मुन्ना की बहन ज्योति है और ये प्रभा देवी, ये दोनों भाई बहन इसी प्रभा देवी के ही बच्चे हैं, और ये बिट्टी श्री प्रकाश की दूसरी बीवी दमयंती की बेटी भी है। और मुन्ना की बातों से साफ जाहिर होता है कि उसके दिल में बिट्टी और उसकी माँ के खिलाफ जहर भरा था। सर, मेरी दूल्हे के घर वालों से बात हुई, उन्होंने किसी के ऊपर शक तो नहीं जताया, लेकिन उन्होंने बताया कि योगेश की शादी पहले श्री प्रकाश की बड़ी बेटी ज्योति के साथ तय हुई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे श्री प्रकाश ने उनके सामने ये प्रपोजल रखा कि योगेश की शादी छोटी बेटी बिट्टी के साथ हो। और सर, ये सब शादी के 3 दिन पहले ही तय हुआ और इस शादी की तैयारी भी 3 दिन में ही की जा रही थी। सर, ये मामला तो बाहरी दुश्मनी से ज्यादा घर की अंदरूनी अनबन से भी जुड़ा लग रहा है, लेकिन एंगल बाहरी भी हो सकता है। 3 दिन के अंदर बड़ी बहन के बजाय छोटी बहन की शादी कर दी जाती है, कोई ना कोई वजह तो होगी। आई एम श्योर बिट्टी का कोई ना कोई अफेयर रहा होगा, और इस शादी से ज्योति, प्रभा देवी और मुन्ना के अलावा कोई चौथा है जिसका दिल टूटा है। बिट्टी और उसके फैमिली के सारे कॉल रिकॉर्ड चेक करो और ज्योति से भी बात करो। ओके सर। हमें प्रभा देवी और उसकी बेटी ज्योति से मिलना है। आइए सर। ये सच है कि ज्योति की शादी पहले योगेश से होने वाली थी? सर, शादी कहाँ होने वाला था, हम तो केवल ज्योति का फोटो भेजे थे त्रिपाठी जी को, तो त्रिपाठी जी ने भी लड़के का फोटो भेजा था, लेकिन ज्योति को लड़का पसंद नहीं आया तो इसके पिताजी ने बिट्टी का बात चला दिया। तो आप योगेश से शादी नहीं करना चाहती थी? हमें ज्योति से अकेले में कुछ बात करनी है। कहाँ पूछना है आपको, हमसे पूछिए। शादी का वीडियो देखकर आ रहे हैं हम, शादी में तो तुम थे नहीं, इसलिए तुमसे बाद में बात करेंगे। बाद में कहा है, अभी सुन लीजिए। हम उस दिन अंदर बैठ के पी रहे थे और वो बिट्टी बिट्टी हमारी बहन नहीं है तो हम कहा है उसकी शादी अटेंड करते हा? और शायद तुम भी बिट्टी को अपनी बहन नहीं मानती थी, इसलिए उसकी शादी का भोज भी नहीं किया और खाना शुरू होने से पहले ही वहां से गायब हो गए। इतना सब कुछ बड़ा सोच समझ के किया है ना आप तीनों ने? का सोच समझ के किया है? आप कहना चाहते हैं कि हमने सबको खाने में जहर मिला के खिला दिया? हो भी सकता है, सबूत है आपके पास? नहीं ना, जाइए और उस हलवाई गिरधारी को ढूंढ के दिखाइए, तब मानेंगे हम। गिरधारी को ढूंढना हमारे लिए एक चैलेंज बन गया था, और हम मुन्ना और श्री प्रकाश मिश्रा के एक एक आदमी को खंगाल रहे थे, और हमें यह भी शक था कि गिरधारी को गायब नहीं बल्कि उसे मारा गया, और इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। सर, ये बिट्टी और योगेश समेत सभी 7 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इन सभी की मौत जहर मिला खाना खाने से ही हुई थी, और इन सभी की बॉडी में काफी मात्रा में जहर पाया गया। सर, जहर किस टाइप का था, कुछ पता चला? सर, मेरी लैब में बात हुई थी, डॉक्टर्स लगातार स्टडी कर रहे हैं लेकिन फिगर आउट नहीं हो पा रहा है कि किस तरह का जहर खाने में मिलाया गया था। फाइनल रिपोर्ट आने तक हमें वेट करना पड़ेगा सर। वो हलवाई गिरधारी का कुछ पता चला, कोई लीड? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि गिरधारी को मार के उसके परिवार समेत कहीं पे गायब कर दिया गया है या फिर उसको छुपाकर कहीं पे रखा गया है। अभी तक उसका कोई लीड नहीं मिल पा रहा है, फिर भी हमने उसका फोन नंबर और उसके फोन का IMEI नंबर सर्विलांस पे डाल दिया, हो सकता है वो कहीं पे छुपा बैठा हो। सर, सर मैंने बिट्टी के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, उसमें एक नंबर सस्पिशियस मिला है। किसका नंबर है? सर, ये नंबर सूरज पांडे के नाम पे पिपरी गांव के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। सर, बिट्टी और सूरज दोनों में काफी बातें होती थी और शादी वाली रात से ही ये नंबर बंद है। सूरज यहीं रहता है? जी साहब। सर, ये सूरज पांडे इस इलाके का पहलवान है, श्री प्रकाश से दुश्मनी निकालने का इसका एक और मोटिव पता चला है। दरअसल शादी से 3 दिन पहले दंगल के फाइनल राउंड में ये साल का दंगल विजेता बन गया था, लेकिन तभी वहां पर श्री प्रकाश और बिट्टी पहुंचे और उन्होंने पिछला राउंड कैंसिल करवा के दोबारा से कुश्ती करवाई जिसमें सूरज हार गया। सूरज, तुमको थाने चलना होगा। लेकिन सर, इसकी हालत तो देखिए आप।
तुमने बताया कि पहले दंगल में चीफ गेस्ट पूरन बना, फिर ऑर्गेनाइजर्स ने लास्ट मोमेंट पे उसे हटाकर श्री प्रकाश को चीफ गेस्ट बना दिया। हाँ सर, श्री प्रकाश का इस पूरनमल से भी 36 का आंकड़ा है। पहले ये दोनों एक ही पार्टी में थे, लेकिन बाद में श्री प्रकाश ने पूरनमल को पार्टी से निकलवा दिया तो, और तब से ये पूरनमल श्री प्रकाश से खार खाए बैठा है। सर, सूरज को ले आए हैं। चलो, हम और बिट्टी एक दूसरे से प्यार करते थे, ये भी सच है, हम एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन बिट्टी का बाप उसकी शादी कहीं और करवा रहा था। और यही बात तुझे रास नहीं है कि प्यार उसने तुझसे किया और शादी अपने बाप की मर्जी से करनी थी। सर, आप कहना क्या चाहते हैं? वजह एक और भी हो सकती है कि इस साल दंगल जीतकर भी तो हार गया श्री प्रकाश की वजह से, और उस रात श्री प्रकाश के घर के पास तेरा फोन एक्टिवेट हुआ था। क्या कांड करने गया था वहां पर? सर, आपको मेरी हालत देख के ऐसा लगता है कि मैं वहां कांड करने गया था? सर, मैं वहां बिट्टी को आखिरी बार देखने के लिए गया था। सर, मैं अच्छे से जानता था कि मैं जबरदस्ती बिट्टी से शादी नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता था कि बिट्टी के साथ इतना बुरा होगा। सर, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ। सर, ये बिट्टी के बाप की वजह से हुआ है। उसके एक नहीं कई दुश्मन पल रहे थे, उसी में से किसी एक ने बिट्टी और उसके बाप से बदला लिया है। सर, इसका कोई सबूत नहीं कि श्री प्रकाश के आदमियों ने इसे मारा हो। ये सब कुछ इसका प्लान भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि गिरधारी और पूरनमल के टच में हुई। जब पूरनमल चीफ गेस्ट था, ये आदमी दंगल जीता था। हो सकता है कि पूरनमल ने इसे भड़काया। इस पूरनमल को इन्वेस्टिगेट करो। ओके सर। माँ, हम ये फैसला नहीं मानने वाले। हम उसे से ही शादी करेंगे जिससे हम प्यार करते हैं। बगावत करने की सोचना भी मत, नहीं तो वो तेरे साथ मुझे भी काट देंगे। बहुत गलत किए हम। अगर हम उससे शादी करने की जबरदस्ती नहीं किए होते तो आज वो ना तो शादी होती और ना ही वो। दमयंती, हमने तो अच्छा ही सोचा था उसका। उसका नहीं, आपने हमेशा अपना ही भला चाहा। मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? आपकी प्रभा और उसके बच्चों ने कभी हमारा भला नहीं चाहा। हम तो कहते हैं कि उन्होंने हमारी बेटी को मार डाला है। आज आपने साबित कर दिया कि पत्नी के सामने नकेल कुछ नहीं होती। अपने बीवी, बेटी और मुन्ना को बचाने के लिए आपने मेरी बेटी के साथ बहुत नाइंसाफी की है। सर, शादी के खाने में जो जहर मिलाया गया था, उसकी इस फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक खाने में एक खास तरह का जहर मिलाया गया था जो के लिए यूज किया जाता है। ये जहर इतना पावरफुल और इतना जल्दी असर करता है कि 80 में से 7 कैजुअल्टी फिर भी कम है। कहीं और भी जाने जा सकती थी। अगर ये मान भी ले कि हलवाई जहर मिलाकर गायब हो गया, तो उसे ये जहर मिला कहां से? इसके सोर्स का पता करो। ओके सर। सर, सर, हमने प्रभा देवी, मुन्ना और ज्योति समेत श्री प्रकाश के हर आदमी के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन गिरधारी का कोई भी क्लू नहीं मिला। और सर, ये पता चला है कि श्री प्रकाश के एक आदमी है सोनू, जो लगातार पूर्णमल के साथ फोन पे टच में था। श्री प्रकाश का आदमी श्री प्रकाश के दुश्मनों के टच में था। सर, पूछताछ में पता चला था कि ये सोनू ही शादी के खाने का सुपरविजन कर रहा था। भैया जिसे गद्दारी कर रहा था, लेकिन साहब मेरा इस खून में कोई हाथ नहीं। साहब, गिरधारी का है, वो भी मिला हुआ है ना तेरे और पूरनमल के साथ? नहीं साहब, गिरधारी को मैं जानता भी हूँ। साहब, साहब भैया जी का सीक्रेट इन्फॉर्मेशन से लेके पूरनमल को दे देता था बस। आप अच्छी तरह से तोड़ो इसे, नहीं बोलेगा ये। नहीं साहब, नहीं साहब। पुलिस सोनू को भी उठाए है और पता चला है कि वो पूरनमल को बहुत फोन घुमाया था। सर, सोनू को बहुत तोड़ा, लेकिन कुछ भी उगल नहीं रहा है।
सर, ये पूरन मल भी गायब है। हमको कहाँ ले जा रहे हैं भैया जी? देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, जरूर आपको कुछ कंफ्यूजन हुआ है भैया जी। ठीक है सर, पूरे मल को श्री प्रकाश के आदमियों ने उठाया है। आपको अगवा करके लाया गया है यहाँ पर? अगवा? ये किसने कहा आपसे? अरे भैया जी ने बुलाया था, पुराने दोस्त हैं हम, मिलने आए थे। दिख रहा है क्या दंगल हुआ था आप लोग के बीच? अब इतना सब तो हम लोग भी चलता ही रहता है। अच्छा भैया जी, प्रणाम। चलते हैं। प्रणाम। पूरनमल को हमने उठवाया, थोड़ी पूछताछ की, टटोला उसको। हमें मालूम पड़ा कि ये काम उसका नहीं है। हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, डरता है हमसे, पर उस सोनू को मत छोड़िएगा। आपको क्या लगता है, हम आपके हिसाब से काम करेंगे? आपने आपके हिसाब से क्या कर लिया अब तक? बोलो किसने किया कांड? हमारे हिसाब से तो सारा कांड जो है आपके बेटे मुन्ना ने किया। देखिए, मुन्ना हमारा बेटा है, हमारा खून है, और हमारे खून में इतना छिछोरापन नहीं जो पीठ पीछे वार करे। तो मुन्ना को कुछ करना होता तो गोलियां चलाता, धमाका कर देता वो, लेकिन ये पीठ पीछे जहर मिलवाना, ये उसकी फितरत नहीं है। और मुन्ना के दिल में जो जहर भरा है उसके बारे में तो पता ही होगा आपको। अगर आपका हो गया है तो आप जा सकते हो। सर, अब तक हम ये मान रहे थे कि ये कांड श्री प्रकाश के किसी दुश्मन ने किया होगा, लेकिन ये भी सच है कि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है तो श्री प्रकाश से दुश्मनी मोल ले, क्योंकि श्री प्रकाश से पिटकर भी पूरन मल ने उसके खिलाफ कोई भी एफआईआर नहीं लिखवाई। और सोनू ने भी बताया था कि सूरज की भी पिटाई श्री प्रकाश के आदमियों ने ही करवाई थी, इसके बावजूद सूरज और उसका भाई श्री प्रकाश के खिलाफ कोई भी एफआईआर लिखवाने को तैयार नहीं है। और इसके अलावा मुन्ना, ज्योति और प्रभा के खिलाफ भी अभी तक कुछ नहीं मिला। सूरज और बिट्टी जिस तरह से एक दूसरे से प्यार करते थे, उसी तरह से योगेश का कोई जिल्टेड लवर हो सकता है जिसने ये कांड किया। लेकिन सर, योगेश के कॉल रिकॉर्ड में तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। अब तक हम श्री प्रकाश के दुश्मनों पे शक कर रहे हैं, हो सकता है त्रिपाठी का कोई दुश्मन हो जो ये सब कर रहा है। त्रिपाठी फैमिली के जितने भी दुश्मन उनकी एक लिस्ट बनाओ, उनसे बातचीत करो। इसी के साथ चक्कर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब? हो सकता है कि वो ये शादी अपनी मर्जी से ना कर रहा हो, या ये भी हो सकता है कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की हो जो इस शादी से खुश ना हो। ऐसा कुछ नहीं था, आप बेकार में ही हमारे मरे हुए बेटे को बदनाम कर रहे हैं। किसी पर शक है आपको? जी फिलहाल तो हमें कोई नजर नहीं आ रहा। अपने दिमाग पर जोर डालिए और हमें बताइए अगर आपको किसी पर भी शक हो। सर, सर अभी अभी गिरधारी के फोन का IMEI एक्टिव हुआ है, और उसने अपने फोन में एक दूसरे नंबर का सिम कार्ड भी डाला है जिससे उसने कॉल किया है। पता करो वो नंबर किसका है, और गिरधारी का फोन जिस लोकेशन पे एक्टिवेट हुआ है ना, उस लोकेशन को ट्रेस करो और एक टीम लेके जाओ। हो सकता है गिरधारी ना मिले वहां पर, सिर्फ उसका फोन मिले। ये सब कुछ हमें भटकाने के लिए भी किया जा सकता है। हमने कहीं ना कहीं ये मान लिया था कि गिरधारी को गायब ही नहीं, उसको मरवा भी दिया गया हो, लेकिन जब हमने गिरधारी का फोन का लोकेशन ट्रेस किया तो हमारा अनुमान गलत साबित हुआ। हाँ बोल, बोल। हमने खाने में जहर नहीं मिलाया साहब, हमारा भरोसा करो साहब। फिर क्यों भागा था वहां से? साहब हम वहां रुकते ना तो श्री प्रकाश के आदमी हमको जान से मार देते और सारा दोष हम पर लगा देते, इसलिए मारे डर के वहां से साहब भाग गए थे। लेकिन जाते ही रात एक औरत गाने के मंडप के पास बार बार चक्कर लगा रही थी। सर, उमा शंकर त्रिपाठी के परिवार से जुड़ी कुछ बातें पता चली हैं। उमा शंकर के बड़े बेटे पंकज की बीवी संगीता देहना गांव के रहने वाली है, और पता चला है कि देहना गांव में
और सर ये भी पता चला है कि शादी से एक दिन पहले संगीता का भाई मुकेश उससे मिला। साहब आप बेकार में मुझ पर शक कर रहे हैं, मैं तो शादी में भी नहीं गया था तो खाने में जहर कैसे मिलाऊंगा? सर झूठ मत बोलो, हमें सब पता चल गया कि तेरी बहन का अपने ससुराल से रिश्ता कैसा है। बोल सच क्या है? ये कैसी बात कर रहे हो साहब, थोड़ी बहुत अनबन तो हर परिवार में होती है, हमारा कोई ऐसा झगड़ा नहीं था। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर, तुम्हारे भाई ने हमें सब कुछ बता दिया और उस हलवाई ने भी तुम्हें पहचान लिया, वो पंडाल के आसपास तुम्हें दिखी थी। साहब शादी की रात एक औरत खाने के मंडप के पास बार बार चक्कर लगा रही थी। उसने तुम्हारी फोटो आइडेंटिफाई की है, अब बोलो। जब से उस घर में ब्याह के गई हूँ परेशान कर रखा है उन्होंने, हर वक्त ताने, हर वक्त ताने। पता नहीं क्या मेरी किस्मत थी कि तू मेरे पल्ले बंदी, शक्ल ना सूरत गवार कहेंगी। ये क्या खाना बनाई है तू, कुछ आता है कि नहीं बनाने के लिए? सब मैं तंग आ गई थी, सब चुपचाप सह रही थी, और फिर जैसे ही श्रीप्रकाश की बेटी का रिश्ता योगेश से तय हुआ, पापा जी ने कहा वो सोने की चिड़िया है, हर बार मेरी माँ बाप की गरीबी का मजाक उड़ाया इन्होंने। फिर मैंने भी ठान लिया कि इस बार इनकी खुशी में इनके साथ ऐसे खुश हो जाऊंगी ना कि इन्हें शक तक नहीं होगा मुझ पर। मैं तो चाहती थी मेरे सास ससुर पति सब मर जाए, लेकिन मेरे सास ससुर खाने की मेज तक पहुंचे ही नहीं। और पंकज अपना बदला लेने के लिए तुम इस हद तक गिर गई कि इतने सारे लोगों की जान खतरे में डाल दी। त्रिपाठी परिवार हमेशा यह समझता रहा कि संगीता का ताने सुनना उसकी कमजोरी थी, लेकिन शादी के वक्त जब संगीता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हंसी खुशी ये एक ऐसी दस्तक थी जिसे त्रिपाठी परिवार हांप नहीं पाया। और फिर एक मामूली हाउसवाइफ 7 लोगों के मर्डर और 80 से ज्यादा अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में पकड़ी गई, ये एक बहुत ही चौंका देने वाला खुलासा था। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ, तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है।